अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? कहानी सुना के बैठे हैं? किसको? दोस्तों को अपनी? वेरी गुड। फिर क्या कहा उन्होंने? उनको कहानी अच्छी लगी आप लोगों की? थी भी तो मज़े की कहानी। उसमें क्या क्या मौजूद था? उसमें पाशा था, घोड़ा था, झंडा था, है ना भाई? पाशा, घोड़ा, झंडा, अ आ आ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी आवाज़ बन रही है, पाशा, घोड़ा, झंडा। अरे वाह, चले। ऐसे कोई और अल्फाज होते हैं आपके पास जिसमें आ आ आवाज आ रही है? कितनी अच्छी आवाज आ रही है ना ये क्या से कैसी आवाज आ रही है? क्या और क्या सा, क्या, क्या आवाज होती है? और माला? नहीं, माला नहीं होता। क्या होता है भाई? जाला। हाँ, जाला जी। खाया? हाँ, खाना, खाना खाया। वेरी गुड। और शर्माया? हाँ, शर्माया। वेरी गुड, सही। और भाई जी, क्या करें? चलें ऐसा करते हैं कि एक बड़े मज़े की एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके आखिर में इस तरह से आ आ आ आ रहा है ना? ये बड़ी अच्छी लगी मुझे ना, पाशा, झंडा, घोड़ा, क्या था भाई ये? चलें देखते हैं। यहाँ पे देखें भाई, ये क्या मौजूद है? यहाँ मौजूद है वही, वही वाला घोड़ा। यस, पाशा का जो घोड़ा था, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। ये क्या है? घोड़ा, घोड़ा। हाँ, घोड़ा। ये क्या है? ये है झंडा, झंडा, झंडा। आ जी, झंडा। ये है ताला, ताला, ताला। हाँ, घोड़ा, झंडा, ताला जी। घोड़ा, झंडा, ताला। पाशा भी था जी, वो पाशा भी था। इन सब के आखिर के आवाज में क्या आ रहा है? घोड़ा, झंडा, ताला। पाशा जी, इन सब की आखिर की आवाज में आ रहा है आ आ आ। अरे भाई, ये आ होता कैसा है भाई? यानी कि हमें आज अ से मिलना पड़ेगा कि भाई आ साहब कौन है जो कि हर लफ्ज के आखिर में चले आ रहे हैं, है ना भाई? चले फिर आंखें बंद करें और देखते हैं आज अ साहब को। लोग अपनी आंखें खोल लीजिए जल्दी से। ये देखें, हमारे पास अ मौजूद हैं। अरे भाई वाह, ये तो बड़े सीधे से हैं। हाँ, ये तो बड़े सीधे से खड़े हुए हैं। ये हैं अ साहब। चले देखते हैं कि ये बनते किस तरह से हैं। इनको बनने का प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने हैंड को निकालते हैं, उसमें हम टू फिंगर्स को बंद कर देंगे, टू फिंगर्स खोलेंगे, उस पर अपना थंब रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे जी। लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, अच्छी सी नज़म भी पढ़ते हैं ना, जिससे ताकि हमारी ट्रेसिंग अच्छी होती है। तो देखते हैं कि आ साहब की हमारी नज़म कौन सी है भाई। घोड़ा झंडा लेकर भागा, आ है ऊंचा सीधा साधा। घोड़ा झंडा लेकर भागा, आ है ऊंचा सीधा साधा जी। कितने मजे की इसकी कहानी है। कहानी के साथ साथ इसकी राइम भी बहुत मजे की है ना भाई? कहानी के साथ साथ राइम भी मजे की है। क्या है भाई जी? घोड़ा झंडा लेकर भागा, आ है ऊंचा सीधा साधा, है ना? चले अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपनी पेज पे एक्टिविटी और देखते हैं वहां पे क्या क्या मौजूद है। चले जी, पेज नंबर खोलेंगे अपना 34। 34 सफ़े पे हम पहुंचेंगे और 34 सफ़े पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है, उस एक्टिविटी में क्या क्या है देखते हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे, आइकन्स देखेंगे जी। चले आइकन्स देखते हैं कि इसमें कितने आइकन्स मौजूद हैं। 1 2 3 तीन आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन है हमारा जिसमें हमारी फिंगर्स बनी हुई है और लाइन है फिंगर के साथ, यानी कि उंगली रखी हुई है और एक लाइन्स बनी हुई है। उसका मतलब क्या होता है भाई? यस, पढ़िए पढ़िए, यानी कि पहले हमने पढ़ना है, ठीक है हम पढ़ लेंगे। दूसरा आइकन हमारा क्या है?
ब की आधी शक्ल पेंसिल रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेरिए। और तीसरे में मानो बिल्ली बैठी हुई है, मानो बिल्ली क्या कहती है हमसे? कलर करें, रंग भरिए भाई। तो रंग भरेंगे, पहले हम पढ़ेंगे, फिर पेंसिल फेरेंगे और फिर रंग भरेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं, तारीख लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखी जाएगी तारीख और हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है। ये है आ, 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 घोड़ा, आ घोड़ा, आ घोड़ा, आ झंडा, आ झंडा, आ झंडा, अ ताला, अ ताला, अ ताला, अ घोड़ा, अ झंडा, अ ताला। घोड़े की आखिर की आवाज क्या है? आ। झंडे की आखिर की आवाज झंडा, अ ताला आखिर की आवाज आ, यानी के इन सब की आखिर की आवाज क्या है? अ। जी हमने पढ़ लिया, ये है घोड़ा, झंडा, ताला। अब हमने क्या करना है, अब हमने पेंसिल फेरनी है, पेंसिल निकालनी है, अच्छे से शॉर्प करनी है। और शॉर्प करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अ, आके ऊपर देखें आप, जी एक बड़ा सा डॉट बना हुआ है, उस पे रखेंगे, आहिस्ता 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 अ को बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ क्या पढ़ेंगे, इसकी नज़म पढ़ेंगे। जी नज़म क्या थी इसकी, क्या था? घोड़ा झंडा लेकर भागा, आ है ऊंचा सीधा साधा। जी यहाँ पे हम इसकी नज़म पढ़ते जाएंगे और इसको ट्रेस करते जाएंगे, पेंसिल फेरते जाएंगे। तो हम यहाँ पे पेंसिल फेरेंगे, हम यहाँ पे पेंसिल फेरते 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अ बना देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम मानो बिल्ली का कहना मानेंगे। मानो बिल्ली क्या कह रही है, कलर भरें यानी कि रंग भरिए। हम क्या करेंगे, अपना कलर बॉक्स निकालेंगे, अपने सारे रंग निकालेंगे, उनको अच्छे से शॉर्प करेंगे और बारी बारी हर तस्वीर पे कलर करेंगे। हम हमेशा कलर कहाँ करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करेंगे। ये नहीं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, तो गंदा हो जाता है, ठीक है ना। अब तो आपको कलर करना आ गया, रंग भरना आ गया, तब आप ये करिएगा प्रैक्टिस कि हर रंग जो है वो ऊपर नीचे करें और कलर रंग जो है तस्वीर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, तभी तो अच्छी लगेगी तस्वीर, ठीक है। वन बाय वन हर तस्वीर पे कलर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। जब आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज हमने कौन सी आवाज़ पढ़ी थी, अ की आवाज़ पढ़ी थी, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखने के बाद काम कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट करना है, राइम को बार बार पढ़ना है ताकि आपको ये नज़म जो है अच्छे से याद हो जाए। नज़म पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी ना जी। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने जो है वो अ की आवाज़ पढ़ी थी जी, और उसका काम भी किया था। फिर अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।